अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फनी क्वीन। तो यकीनन आपको फनी पोएट्री पसंद होगी, इसलिए आप मेरे चैनल पर आए हो। पसंद है तो वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहना, बड़ा मज़ा आएगा। आपकी फैमिली क्या करती है? मेरी तो रख रख के बेइज्जती। वालदा जो है अम्मी हमारी, सारे काम करवाने के बाद कहती है तुम करती ही क्या हो। सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए हैरान हूँ तुम लोगों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया। तुम इंसानों की बात करते हो, मैं भूतों को भी बातों में लगा लेती हूँ। शुक्र है समझदार होने पर टैक्स नहीं लगता, वरना मुझे देना पड़ता। आप तो खैर बच जाते। अगर कोई हमसे जलता है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जला जला कर उसे कोयला कर दें। कुछ लोग मच्छर की तरह होते हैं, सिर्फ उस वक्त नज़र आते हैं जब खून चूसना हो। औरत से हरगिज़ बहस ना करें, ख़ास तौर पर जब वो जज्बाती हो, दुखी हो, भूखी हो, खुश हो या सांस ले रही हो। खुदकुशी इसलिए भी नहीं करती क्योंकि अगर बच गई तो घर वालों ने बहुत मारना है। लोग मेरे साथ ड्रामे करते हैं जबकि मैं खुद बहुत बड़ी फिल्म हूँ। मुद्दतों बाद पैदा होते हैं मेरे जैसे मासूम और शरीफ लोग। सीधी बात का उल्टा जवाब देकर अगले का पारा हाई करना भी एक टैलेंट है। समझदार लोग बहस नहीं करते, बस तीली लगा के साइड पे हो जाते हैं। अगर आपकी छोटी बहन आपकी बात नहीं मानती तो इतना ध्यान से मत पड़े, किसी की भी नहीं मानती। आज तक अम्मी ने वो बात नहीं बताई जब वो किसी गलती पर कहती है रुको तुम्हें बताती हूँ। कौन कहता है कि लड़कियाँ बहादुर नहीं होती? मैं रात को अकेली छत से धुले हुए कपड़े उतारने जाती हूँ, ये अलग बात है कि वापसी पर दौड़ लगाती हूँ। दुनिया का सबसे कीमती नायाब और आरामदा तकिया शोहर का कंधा है, पता नहीं मेरा तकिया कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। इतनी बार शादी की दुआ की है, अब जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ फरिश्ते कहते हैं काकी तेनू होर कोई काम नहीं। शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो डांटे तो बंदा ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ले, खैर ए वड्डी है। शादी पे बड़ा सा दुपट्टा लेकर गई कि शायद किसी हैंडसम लड़के की गड़ी में अटक जाए, उल्टा मेरे पाँव के नीचे आ गया और मैं सीधी सामने वाली मेज़ पर जा भेजी। पता नहीं लोग दूसरे के काम में कैसे दखल अंदाजी कर लेते हैं, मुझसे तो अपने काम भी नहीं होते। जो लोग मुझे जगाने के बाद पूछते हैं सो तो नहीं रही थी, दिल करता है एक चपेड़ मारकर पूछूं ज़्यादा लगी तो नहीं। नाराज़ बंदे को मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उल्टा आप उससे नाराज़ हो जाए। ब्लॉक करके भी गुस्सा बाकी रहे तो अनब्लॉक करके फिर ब्लॉक करें, 5 बार ये अमल करें तड़पा तड़पा के मारने वाली फीलिंग आएगी। मेरा मूड चाइना का हो गया, टीक चलते चलते ख़राब हो जाता है। ज़िंदगी में कभी हार ना मानो, अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ो कि आगे वाला रुक के कहे जा पहले तू दफ़ा हो जा। मुझे मेकअप के नाम पे सिर्फ सुर्खी लगानी आती है, हाय किन्नी कोई मासूम है। वो जो ख़ुद को बहुत कुछ समझते हैं हम उनको कुछ नहीं समझते। अगर कोई आपको अहमियत देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जूतों समेत उसके सर पर चढ़ जाएँ। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो तो एक अदद सब्ज़ मिर्च ले और खाना शुरू कर दे, यकीन करें आप अपना बड़े से बड़ा गम भूल जाएंगे। मैं जो जी रही हूँ वजह पिज़्ज़ा है, तुम नहीं। मोबाइल की वजह से बेइज्जती तो बहुत होती है लेकिन मजाल है जो कभी हमें महसूस हुई हो। पता नहीं किस मुंह से अपने बच्चों को कहूँगी मोबाइल साइड पर रखो और पढ़ाई करो। कभी किसी का दिल ना तोड़ो, सबके पास एक ही होता है, अगर ज़्यादा गुस्सा हो तो हड्डी तोड़ दो, पूरी 206 होती है। इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे तब ही सोचता है जब उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा हो। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज़ हो जाती है जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते हैं जैसे कमबख्तों ने बंग पी रखी हो। दुनिया से भरोसा उसी दिन उठ गया था जिस दिन अम्मी ने कहा इधर आ नहीं मारूंगी। याद रखना रुलाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन हंसाने वाली सिर्फ मैं ही मिलूंगी। बांदरो कदर करो मेरी और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करो। मेरी नाजुक मिजाजी मत पूछिए, सांस लेती हूँ थक जाती हूँ। काश मुझे भी कोई कहता कि बाबी बात कर ले, बाई परेशान है, हाय काश। अगर कभी कोई मसला हो जाए तो मुझे बुला लेना, मुझे लड़ाई देखने का बहुत शौक है। मुस्कुराते रहा करो ताकि दुनिया कंफ्यूज रहे कि इसे किस बात की खुशी है। सो गाइज, ऐसे ही फनी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बाग बाग के पहुंचे। और आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।